हाय फ्रेंड्स, आई एम मयंक एंड यू आर वाचिंग देव्स किचन। चलिए देखते हैं आज मेरी मम्मी क्या बनाने वाली है। नमस्कार, देव किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बाड़ी में उगी हुए हमारा लौकी का सब्जी है। और दोस्तों, हम लोग फेसबुक पे अपना पेज खुला हुआ है, आप लोग वहाँ पे भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी सब्जी, हमारा बाड़ी से ले लेते हैं। ये देखिए अपना बाड़ी में उगा हुआ लौकी मैं काट लेती हूँ। पहले मैं लौकी को काट लेती हूँ। को काट लिया है, अभी धो के इसे बारीक से काट लेती हूँ। देखिए मैंने लौकी को काट लिया है बारीक से। अभी इसे बनाने के लिए मसूरी दाल को एक भिगो के रखा है, ये पीस लेते हैं। उसके बाद इसका पकौड़ा बनाएंगे। मसूर दाल पीस के पकौड़ा बनाएंगे। मैंने पीस लिया है मसूरी दाल को। अभी इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक दे देती हूँ। मैंने पहले चूल्हा को जला लेती हूँ। देखिए पहले मैंने चूल्हा का जला लिया है, कढ़ाई भी बैठा दिया है। अब इसमें मस्टर्ड ऑयल दे देती हूँ।
अभी इसे मिक्स कर लेता हूँ। मसूर दाल, हल्दी पाउडर, नमक के साथ। अभी तेल गर्म होने से इसमें पकौड़ा तैयार कर लेती हूँ। छोटा छोटा करके पकौड़े तैयार कर लेती हूँ। मैंने इसी को पलट लेते हैं। देखिए ये हो गया है, अभी उतार लेते हैं। देखिए हो गया है, इसी तरह हम सबको फ्राई कर लेते हैं। पकड़े अभी मैंने अभी कढ़ाई पे तेल दे देते हैं, मस्टर्ड ऑयल। ड्राई चिली रेड, पाँचफोरन थोड़ा सा, ये तेज पत्ता है, हल्दी पाउडर एक टेबल स्पून, नमक एक टेबल स्पून, जीरा धनिया पाउडर दो टेबल स्पून, थोड़ा सा कलर के लिए रेड चिली पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे थोड़ा देर के लिए पकने देते हैं। अभी इसमें पकौड़े डाल देते हैं। थोड़ा 5 मिनट पकने देना है। अभी इसमें हरा मिर्ची डाल देते हैं। थोड़ा सा शुगर चीनी डाल देते हैं।
ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता दे देती हूँ। देखिए हो गया है, अभी मैंने इसे उतार लेती हूँ। ये तैयार हो गया है लौकी का सब्जी विथ पकौड़े। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगते हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और खुद घर में ट्राई कीजिएगा। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्ते।